हेलो फ्रेंड्स, पूनम्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मैंगो मिल्क शेक। यहाँ पे मैंने 2 आम लिए हैं और आम को धोकर उसके ऊपर का छिलका निकाल कर ऐसे कट करना है। और मैंने यहाँ पे लिया है इलायची पाउडर, आइस क्यूब्स, कटे हुए ड्राई फ्रूट्स और आधी कटोरी चीनी। और यहाँ पे दूध लिया है 2 ग्लास। दूध को अच्छी तरह से उबाल कर ठंडा होने के बाद हमने फ्रिज में रखा था। दूध हमारा अच्छी तरह से चिल्ड हो गया है। यह मैंने लिया है ग्राइंडिंग जार। ग्राइंडिंग जार में कटे हुए आम डालेंगे। चीनी डालेंगे। चीनी आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हो। थोड़ी सी इलायची पाउडर डालेंगे। दूध डालेंगे, आधा ही दूध डालना है। दूध डालने के बाद हम अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है इस तरह से। अब हम डालेंगे इसमें आइस क्यूब्स। आइस क्यूब्स आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हो। आपको ज़्यादा ठंडा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हो आइस क्यूब्स। और बचा हुआ भी आधा दूध डालना है। फिर से हम ग्राइंड करेंगे। सर्व करेंगे। ये देखिए, बहुत ही टेस्टी फ्रेश मैंगो मिल्क शेक हमारा रेडी है। बहुत ही कम समय में बन जाता है। सिर्फ 2-3 मिनट में हम इसे बना सकते हैं। कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डालकर हम गार्निश करेंगे। ये देखिए, सर्व करने के लिए अभी हमारा मैंगो मिल्क शेक रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।